बागेश्वर बाबा के कांग्रेस के समर्थक में प्रकाशित समाचारों का बागेश्वर धाम की ऑफिशियल वेबसाइट ने किया खंडन, कहा यह खबर पूर्णतः गलत और भ्रामक है। बागेश्वर धाम की ऑफिशियल वेबसाइट ने उक्त प्रकाशित समाचारों का खंडन करते हुए लिखा कि पूज्य गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार न किसी राजनीतिक पार्टी के पक्ष में है और न रहेंगे। गुरुदेव भगवान की सिर्फ एक ही पार्टी है, हनुमान जी की पार्टी, जिसका झंडा है भगवा ध्वज। ये खबर बागेश्वर धाम को बदनाम करने की साजिश। पूज्य गुरुदेव भगवान का सिर्फ एक ही मूल मंत्र है, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। राम नाम की महिमा पूरे विश्व तक पहुँचे, यही पूज्य सरकार की अभिलाषा है। इस प्रकार बागेश्वर बाबा के बारे में विगत दो दिन तक कांग्रेस से संबंधित समाचारों पर विराम लग गया है। आइए आपको एक बार पुनः बतलाते हैं कि बागेश्वर धाम की ऑफिशियल वेबसाइट ने कांग्रेस के पक्ष में बाबा द्वारा पैदल यात्रा निकालने के संबंध में किस प्रकार खंडन किया है। यह खबर पूर्णतः गलत और भ्रामक है। बागेश्वर धाम की ऑफिशियल वेबसाइट ने उक्त प्रकाशित समाचारों का खंडन करते हुए लिखा कि पूज्य गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार न किसी की राजनीतिक पार्टी के पक्ष में है और ना रहेंगे। गुरुदेव भगवान की सिर्फ एक ही पार्टी है, हनुमान जी की पार्टी, जिसका झंडा है भगवा ध्वज। ये खबर बागेश्वर धाम को बदनाम करने की साजिश। पूज्य गुरुदेव भगवान का सिर्फ एक ही मूल मंत्र है, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। राम नाम की महिमा पूरे विश्व तक पहुंची, यही पूज्य सरकार की अभिलाषा है। अब कुल मिलाकर बागेश्वर बाबा के कांग्रेस संबंध होने पर पूर्ण विराम लग गया है। जनपद दर्शन न्यूज चैनल के लिए चैनल हेड मनेन्दु पहाड़िया की रिपोर्ट।